जिंदगी के गोल्डन चार नियम। नंबर एक, कमाना शुरू करें, दूसरों पर आरोप मत लगाएं। नंबर दो, समय अनमोल है, वक्त बर्बाद करना बंद करें। दोस्तों, आप लोगों ने जो अभी स्टार्टिंग पर वीडियो देखा, इस तरह का एआई वाला वीडियो बहुत ज्यादा अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड लोग ऐसा वीडियो बना करके महीने के हजारों से लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग अपने स्मार्टफोन से ही इस तरह का एआई टूल वाला वीडियो किस तरह से बना सकते हो। आज आपको बेसिक से टॉप लेवल का सब कुछ आपको बताने वाला हूं, तो इसलिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहो, आपको सब कुछ आज मैं सिखा दूंगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन पे प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलती रहती है। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस तरह का एआई वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट बनाना चाहते हो बिना कोई पैसा पे करे, तो जो जो मैं आपको बता रहा हूं उन्हें आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इधर साइड में मेरा एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कोई भी अपना एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो मैं अपने क्रोम ब्राउजर को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे एक वेबसाइट सर्च करनी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लेक्सिका, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, lexica.ai आपको यहाँ पे रिसेंटली सर्च में भी दिखा रहा है, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो आपके सामने फर्स्ट में जो वेबसाइट रैंक करेगी, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। एंड दोस्तों, आपको जैसा भी यहाँ से कैरेक्टर चाहिए, तो जैसा भी आप लोग अपनी वीडियो में कैरेक्टर यूज़ करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोई फीमेल या फिर मेल या फिर कोई आप लोग चाइल्ड वगैरह यूज़ करना चाहते हो, तो आप वो भी बड़ी इजीली कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कार्टून फेस, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सर्च के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे एआई फेस आ जाएंगे। तो आप लोग इनमें से कोई भी फेस यूज़ कर सकते हो बड़ी ईजी तरीके से। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कोई भी यहाँ से एक डाउनलोड कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, ये फोटो मेरे को यहाँ पे अच्छा लगा तो मैंने इसे डाउनलोड कर लिया इसी वेबसाइट से। अगर आपको कोई भी यहाँ पे अच्छा लगे तो आप लोग उस फोटो के ऊपर क्लिक करना एंड नीचे आपको डाउनलोड का बटन दिखाई देगा, तो आप लोग बड़ी इजी वे में इसे डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों, अब हमारा फोटो तो हो चुका है सक्सेसफुली डाउनलोड, अब हमें इस फोटो के अंदर जान डालनी है। बट उससे पहले हमें इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना होगा, क्योंकि जब आप लोग अपना वीडियो को एडिट करोगे तो उसके बैकग्राउंड में आप लोग कुछ भी लगा सकते हो, लाइक आप अपना कुछ भी बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो, आप लोग ग्रीन व्हाइट येलो कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो आप लोगों को बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सबसे पहले आप लोग इधर साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको फिर से अपने ब्राउजर के ऊपर जाना है। एंड यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, remove.bg, ठीक है। तो दोस्तों, ये एक काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, इसके अंदर आप लोग अपने फोटो वीडियो किसी का भी अपना यहाँ पे इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। एंड दोस्तों, ये मैंने फोटो डाउनलोड किया था, तो मैं डन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मेरा फोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। अब इसका मेरे को ये बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा ऑटोमेटिकली, तो थोड़ा मैं वेट करता हूँ यहाँ पे एंड उसके बाद देखते हैं कैसा हमारे फोटो का रिजल्ट आता है। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा मेरे को यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करके दिया है इस वेबसाइट ने, और सिर्फ एक क्लिक के अंदर। तो अब दोस्तों, हमें डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड हमारा फोटो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। दोस्तों, आप लोगों ने अपने फोटो का जो बैकग्राउंड है वो तो परफेक्टली रिमूव कर दिया है। एंड दोस्तों, अब उस फोटो के अंदर आप लोगों को जान डालनी है, उसको आपको बुलवाना है, ठीक है। तो आपको उसे बुलवाना कैसे है, तो दोस्तों इधर साइड में आपको मेरा एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को फिर से अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे आपको एक वेबसाइट सर्च करनी है जिसका नाम है did.ai। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को रिसेंट में देख सकते हो, मैंने इसे सर्च कर लिया, आप लोग भी सर्च कर लेना। एंड जो सबसे पहला आपके सामने वेबसाइट आएगा, आपको इसे ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, ये वेबसाइट आपके सामने कुछ इस तरह से खुल के आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे सबसे पहले ट्राई इट फॉर फ्री के ऊपर क्लिक कर देना होगा एंड आपके सामने कुछ इस तरह का वेबसाइट फिर से खुल जाएगा। आपको थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, कोने में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से आपको साइनअप कर लेना है। आप लोग अपने गूगल अकाउंट से साइनअप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैंने भी अपने गूगल अकाउंट से इसमें साइनअप कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों, ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं खुद इसे पर्सनली यूज करता हूं। तो उसके बाद दोस्तों, आपको फिर से बैक आ जाना है एंड बैक आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, तो यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट वीडियो फॉर फ्री। तो दोस्तों, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, तो यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट पे अपने फ़ोन को डाल देना है, ठीक है। यहाँ से मेरा फ़ोन हो चुका है डेस्कटॉप साइट पे, तो मैंने यहाँ पे दो प्रोजेक्ट ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके देखे थे, बिकॉज मैं आपको बताने से पहले खुद से ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे आपको वीडियो बनाने के लिए करना क्या होगा, आपको क्रिएट ए वीडियो के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो आपके सामने कुछ इस तरह के यहाँ पे AI टूल खुल के आ जाएंगे। तो दोस्तों, वो फेस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है, बट मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप लोगों को ऐड करना है।
तो ऐड करने के लिए नीचे आपको ऐड बटन दिखाई देगा, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग उस फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना है जो कि जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव किया था। तो मैंने इस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव किया था एंड मैं डन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों हमारा फोटो यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो अब जो हमें इससे बुलवाना है वो हम बड़ी इजीली इससे बुलवा सकते हैं। तो दोस्तों इधर साइड में आप जो भी बुलवाना चाहते हो वहाँ पे आप लिख सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखवाना चाहता हूँ माई नेम इज अवनीश, आई एम ए यूट्यूबर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये लिख दिया है बड़ी इजी वे में। आप लोग भी इस तरह जो भी इसमें बुलवाना चाहते हो वो आप बड़ी इजीली यहाँ पे लिख सकते हो। लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कोने के अंदर जनरेट वीडियो, तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। तो आपका वीडियो यहाँ से जनरेट होना शुरू हो चुका है। आप जो भी इसमें लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, जो इससे बुलवाना चाहते हो वो बोल सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों जनरेट के ऊपर क्लिक करना होगा एंड आपका वीडियो जनरेट होगा, ये ऑटोमेटिकली दे देगा। तो चलिए हमारा वीडियो यहाँ से जनरेट हो चुका है। अब मैं इसे प्ले करके देखता हूँ कैसा हमारा वीडियो बन चुका है। तो चलिए हम प्ले करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना परफेक्टली मेरा वीडियो बन चुका है एंड दोबारा फिर से हम प्ले करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो उसके बाद आपको नीचे डाउनलोड का एक बटन दिखाई देगा, तो इसके ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपका वीडियो यहाँ से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मेरा वीडियो यहाँ से आप लोग डाउनलोड हो चुका है बड़ी इजी वे में, ठीक है। तो अब दोस्तों अब आपको जाना है वीएन ऐप के अंदर, ठीक है। तो वीएन ऐप में आपको जाना है डायरेक्टली। तो चलिए मैंने वीएन ऐप को ओपन कर लिया है एंड मेरे सामने सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट ही आएगा, बिकॉज इन्होंने यार अब की बार तो नहीं आया भाई। तो उसके बाद आपको नीचे प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों जो भी फोटो आप इसके अंदर यूज़ करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं इसके बैकग्राउंड में ये फोटो ऐड करना चाहता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे लेयर वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड वही वीडियो यहाँ पे आपको इम्पोर्ट कर लेनी है। तो चलिए मैंने ये वीडियो यहाँ पे ले ली है एंड तो आप लोग देख सकते हो मेरा फोटो यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है, मेरा वीडियो सॉरी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है एंड क्रोमा की के ऊपर क्लिक करके आपको ब्लैक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ब्लैक हो चुका है। उसके बाद आप लोग इसे एडजस्ट कर सकते हो जिससे आपका फोटो का बैकग्राउंड रिमूव ना हो। तो आप लोग देख सकते हो मेरा फोटो का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मेरा फोटो आ रहा है। उसके बाद दोस्तों आप लोग इसे एडजस्ट करके काफ़ी अच्छे तरह से बना सकते हो एंड इसे आप लोग क्रॉप करके कुछ इस तरह से यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग अगर अच्छे तरह से इसका क्रोमा की करोगे तो आप लोग बड़े इजी वे में इस तरह का वीडियो बना पाओगे। दोस्तों अगर आप लोग इसके बैकग्राउंड को कोई और कलर का करोगे तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इसे क्रोमा की कर पाओगे, बिकॉज एक तो इसके हेयर ब्लैक हो रहे हैं एंड मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक ही कर दिया है। तो आप लोग कोई ग्रीन या फिर रेड कर सकते हो, तब भी आपके सामने ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग बड़ी आसान तरीके से AI वीडियोज़ बना सकते हो बिना कोई पैसा खर्च करे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो आपको जरा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इसी तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलती रहती है।